Few days back, I made a video that how to remove dandruff permanently. उस पे मैंने चार steps बताए थे जिनको आप follow करके अपनी dandruff को remove कर सकते हैं. उसमें से एक था anti-dandruff shampoo. उस time मैं anti-dandruff shampoo बताना आपको भूल गया था, तो इसीलिए आज की video में हम बात करेंगे वो कौन सा anti-dandruff shampoo है जिसको आप use करोगे, जिसको मैंने use किया है, और आपकी dandruff खत्म. अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मेरा नाम है अहसन सिद्दीकी. और यार देखो, मुझे इतनी ज़्यादा डैंड्रफ नहीं होती, लेकिन पिछले 2-3 महीने से ना पता नहीं क्या हुआ था, मैंने एक बहुत गंदा सा हेयर स्प्रे यूज़ किया था जिसकी वजह से मुझे डैंड्रफ होना स्टार्ट हो गई थी. तो मैं और मेरे फ्रेंड्स बैठे हुए थे, मैंने कहा यार काशिफ बहुत ज़्यादा डैंड्रफ हो गया आजकल. तो उसने मुझे बताया कि यार एक शैम्पू है उसको यूज़ कर, अगर डैंड्रफ ना गई तो जो जुर्माना तू मेरे पे डालेगा वो मैं कबूल कर लूँगा. मैंने कहा यार क्या यार, एंटी डैंड्रफ शैम्पू मैंने आज तक किया नहीं था यूज़. भाई उसको यूज़ करने के बाद ना लिटरली पहले वॉश में तो भाई उसकी 50% ही डैंड्रफ चली गई थी, और उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता डैंड्रफ मेरी ख़त्म हो गई है. वो शैम्पू कौन सा है बताता हूँ. वो जो शैम्पू मेरे दोस्त ने बताया था, वो मैजिकल शैम्पू जिसकी वजह से मेरी डैंड्रफ चली गई थी, वो है, बताऊँ कौन सा है, नहीं बता देता हूँ, वो है ये सनसेल ब्लू. भाई वाकई ये अलादीन का चिराग है. इसकी तारीफें मैं फजूल में नहीं कर रहा, इतनी गंदी डैंड्रफ हो गई थी ना मुझे, लेकिन मैंने इसको लगाया, सीरियसली मेरी पहली वॉश में इतनी ज़्यादा डैंड्रफ ख़त्म हुई, मुझे लगा नहीं ज़रूरत नहीं पड़ेगी आगे. लेकिन इसको मैंने मैक्सिमम एक मंथ यूज़ किया, और यार देर इज़ नो डैंड्रफ, इट्स अ गेम चेंजर. द बेस्ट थिंग इज़ इट इज़ अ डर्माटोलॉजिस्ट अप्रूव प्रोडक्ट. मेरे दोस्त को भी बहुत ज़्यादा डैंड्रफ होती थी, उसका डैंड्रफ का इशू था, तो उसको डॉक्टर ने रिकमेंड किया था. और अगर आप इसको गूगल भी करते हो ना तो टॉप 10 शैम्पूज में इसका नाम आता है. मुझे नहीं पता था, मैंने कभी इसको यूज़ भी नहीं किया था, लेकिन वाकई यार ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव. Basically, Selsun Blue has two variant. One is normal to oily in a blue cap, and the second one is normal to moisturizer in a yellow cap. जो blue वाला है वो उनके लिए जिनके सर पे बहुत ज़्यादा dandruff नहीं है, normal सी है, मतलब इतनी ज़्यादा खुश्की सिकरी उनके सर पर नहीं है, normal सी है मगर dandruff है, उनके लिए blue वाला. और ये जो yellow वाला है ये specially उनके लिए जिनको sweat dandruff का मसला है, मतलब जिनकी dandruff वो oily वाली dandruff नहीं हो जाती, वो वाली जो मतलब जाने का नाम नहीं लेती, जो मतलब पापड़ी से जम जाती, यू कैन फील के यार ऑयल भी है और बहुत गंदा सा आपका सर हो जाता है, ये उसके लिए. चलो बात कर लेते हैं कि इसको यूज किस तरह करना है. अगर आप ब्लू कैप वाला यूज कर रहे हो यानी कि नॉर्मल टू ऑयली, तो आप उसको हफ्ते में 4-5 दफा यूज कर सकते हो, क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा हार्श केमिकल नहीं है. लेकिन अगर आप ये येलो कैप वाला यूज कर रहे हो, अगर आपके सर में बहुत ज्यादा बहुत स्वेट डैंड्रफ है आपको, तो आप इसको हफ्ते में 2 दफा यूज करोगे, क्योंकि इसके केमिकल्स आपको पता थोड़े से स्ट्रांग है, इस वजह से आपको इसको यूज नहीं करना 2 टाइम से ज्यादा. आप लोग भी सोच रहे होंगे कि तारीफ किए जा रहा है, क्या ये स्पॉन्सर्ड वीडियो है? नो, ये स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है यार, ये देख सकते हो, ये मैंने खुद यूज़ किया. छोटी बोतल मैंने इसलिए ली क्योंकि मैं खुद टेस्ट करना चाहता था कि यार डैंड्रफ जाती है या नहीं. आप लोग भी इसको टेस्ट करने से पहले छोटी बोतल ही लेना यार, बड़ी बोतल लेने की जरूरत नहीं है. छोटी बोतल लो, अगर आपके बालों पर सूट करती है तो रखो, यूज करो. नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज हाउ टू अप्लाई दिस ऑन योर स्कैल्प. तो सबसे पहले आपने ये करना है कि अपने स्कैल्प को आपने अच्छी तरह गीला कर लेना है. उसके बाद आपने क्या करना है, इसको अपने हाथ में थोड़े से मिकदार में लेना है, ज़्यादा नहीं लेना, अपने स्कैल्प पे लगाना है. स्कैल्प पे थोड़ा रब करके उसको एकदम वॉश नहीं करना, आपने उसको 5-7 मिनट लगे रहने देना. 5-7 मिनट अपने स्कैल्प पे लगे रहने देना है, क्योंकि मेडिकेटेड शैम्पू है तो डैंड्रफ खत्म करने में उसको थोड़ा सा टाइम लगता है. उसके बाद आपने क्या करना है, आपने अपना हेड वॉश कर लेना है. और उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ना, जो इसका एक ड्रॉबैक भी है यार, इसको जब आप अपने सर पे लगाते हो ना, उसके बाद आपका सर बहुत ज्यादा ड्राई हो जाता है, आपके बाल, आपका स्कैल्प बहुत ज्यादा ड्राई हो जाता है, मतलब खुश्की से ड्राई नहीं हो जाता, आपके बाल बड़े रफ रफ से लगते हैं यार. ये मेरे आप हाथ फेरोगे आप हो गए यार, ये क्यों इतने रफ हो गए, पता नहीं इसमें क्यों है, मे बी शायद इसके हार्ड केमिकल्स की वजह से है. तो आपने उसका ऑल्टरनेट भी ये है कि आपने ना एक अच्छा सा कंडीशनर अपने पास रखना है, कि जो जब आप इसको लगाओ उसके बाद आपने कंडीशनर अप्लाई कर लेना है, ताकि आपके बाल सॉफ्ट हो जाए. अच्छा कंडीशनर लगाना तो यार बहुत जरूरी है इसके बाद, क्योंकि ये बालों को बहुत ज्यादा ड्राई कर देता है. अगर मैं इसकी बुराई करूँ ना, सिर्फ एक चीज इसी के ये बालों को बहुत ज्यादा रफ कर सकता है. लेकिन उसका ऑल्टरनेट मैंने आप लोगों को बता दिया, आपने एक अच्छा सा कंडीशनर अप्लाई करना है, उसको भी अपने सर पर थोड़ी देर लगे रहने देना है, फिर अपना हेड वॉश कर लेना है. भाई आपकी डैंड्रफ और आपके बाल दोनों चले नहीं जाएंगे, डैंड्रफ चली जाएगी और आपके बाल बहुत ज्यादा सॉफ्ट हो जाएंगे. मैंने ये लिया था तकरीबन
₹300 का 299 का पड़ा था, 100 ml की बॉटल है। देखो आपको बड़ी लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, बड़ी मत लो यार, आपने टेस्ट करना है। आप सबसे पहले इसको एक छोटी सी बोतल लो ₹300 की, देखो अपने बालों पे लगा के महीना डेढ़ दो महीना लगाओ इसको, अगर आपको फ़र्क पड़ता है तो आप इसके बाद एक बड़ी बोतल भी ले सकते हो। लेकिन यार मैं कह रहा हूँ अगर आप इसको यही बोतल ख़त्म कर दी ना, इनफ है, आपकी डैंड्रफ चली जाएगी। और वैसे भी आगे सर्दियाँ स्टार्ट होने वाली हैं, मस्ट है ब्रो, ले लो। So that's it for the video. I hope you guys like the video. अगर वीडियो अच्छी लगी तो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताना यार तुम्हें वीडियो अच्छी लगी कि नहीं, और किन किन को शैम्पू के बारे में पता था वो भी मुझे बताओ, अपना एक्सपीरियंस भी शेयर करो अगर ये शैम्पू कभी यूज़ किया है। मैं मिलता हूँ तुम लोगों को किसी नई वीडियो में किसी अच्छे टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना, मुझे दुआ में याद रखना, और अल्लाह हाफिज़।